तीन चार घंटे अगर आप कंटिन्यूस वॉक भी कर रहे हो तब उतने पैर नहीं दर्द होते जितना खड़े खड़े बिना कोई काम के। हे एवरीवन, व्हाट्स अप एंड गुड मॉर्निंग। सो मैं लास्ट वीकेंड गया था हैमिल्टन एक गोल्फ के इवेंट पे, देन मैं कल भी गया था अगेन हैमिल्टन टू वर्क इन वन मोर इवेंट, और कल वाला इवेंट था कुछ साइकिल का इवेंट, एंड देन आज मैं जा रहा हूँ टोरंटो फॉर अनदर इवेंट। सो बैक टू बैक ये दो वीकेंड तो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। और बाय द वे, अभी आज का मेरा जरा मेन व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोग जरा मेरे कल के व्लॉग में से कुछ क्लिप्स देखो और फिर उसके बाद हम लोग आज का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आज हमने हमारा पूरा काम किया है। सो बेसिकली हम ये दो टेंट में यहाँ पे थे, वहाँ पे अंदर वो सारे साइकिलिस्ट बैठे और वहाँ पे आगे उनके वो सारे साइकिलिस्ट का टेंट है और यहाँ पे आराम से बैठ के चिल कर रहे, दारू वारू पी रहे हैं, देन उनका ये मैच है। हमारा पूरा काम यहाँ पे के सारे यहाँ पे सर्विंग सारी साइकिल्स पार्क है, तभी सीट वीट वो सब इन लोगों ने यहाँ पे कवर कर दिया है और हम लोग बस फाइनली अभी निकल रहे हैं। ऐसा कुछ मेरा कल का इवेंट था, काफ़ी अच्छा था और फिलहाल तो मैं पहुंच चुका हूँ ब्रैम्पटन इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट। फाइनली प्रेस कर दिया है टू प्लेटफॉर्म और मैंने आते आते टिम हॉर्टन से एक एक्स्ट्रा लार्ज हॉट चॉकलेट भी ले लिया, बिकॉज सोचे कि अभी ट्रेन में ही जाना है आराम से बैठ के, तो एटलीस्ट आराम से पीते हुए ही जाएंगे। तो मैंने कल मेरा ब्लॉग शुरू तो किया था हैमिल्टन में वो साइकिल वाले इवेंट में, बदल फिर वो मैंने कंटिन्यू नहीं किया बिकॉज कल तो भाई वहाँ पे पूरे सारे गुजराती लोग भी थे, मतलब जो हमने मजाक मस्ती इंश्योर कल का इवेंट में, तो लाइक स्टार्टिंग के चार घंटे लिटरली कुछ नहीं किया, देन हमने पीछे कुछ तीन घंटे कामकाज किया एंड देन वंस अगेन आखिर के चार घंटे हमने कुछ नहीं किया। सो कल बेसिकली मैंने शिफ्ट फ्रॉम 10 to 10 मीन सुबह के 10 से रात के 10 बजे तक, लेकिन वहाँ पे ब्लॉक कम हुआ एंड देन वहाँ पे एंजॉयमेंट कुछ ज़्यादा हुआ। फाइनली आई हैव रीच टोरंटो और टोरंटो यूनियन स्टेशन में आता ही अगर आपको वीड की स्मेल गांजे की स्मेल ना आए तो फिर आप लोग क्या ही टोरंटो में आए हो। जैसे मैं उतरा जो एकदम स्ट्रॉन्ग सिगार की और जो एकदम स्ट्रॉन्ग वीड की जो स्मेल आई है ना, हाँ भाई एकदम वो यू नो पुराने मुझे मेरे ऊबर वाले दिन याद आ गए। सो अभी तो मैं पीछे यहाँ पे यूनियन से उतरा हूँ एंड आई एम जस्ट वॉकिंग टूवर्ड्स माई डेस्टिनेशन जहाँ मुझे जाना। सिटी की वाइब्स तो काफ़ी एकदम ज़बरदस्त, मीन्स ये सिटी में आके लगता है कि भाई चलो हम कहीं पे आए हैं। तो बस भी चलती है जो आपको आई गेस टोरंटो के सारे ही मेन अट्रैक्शन है आपको पूरा पे घुमाते हैं, इज दैट बस साइट सींग इन टोरंटो। 2022 के दिन याद आ गए जब मैं यहाँ पे ऊबर करने आया करता था मेरे स्केटबोर्ड के ऊपर, तब मुझे याद है कि मुझे कितना स्ट्रगल होता था एड्रेसेस ढूंढने में, अभी वो बस सेम स्ट्रगल मुझे आज हो रहा है। राइट नाउ इट्स अराउंड 11:46 और मेरा स्टार्ट टाइम है 12 PM। आई फाइनली नॉर्थ एंट्रेंस से मैं घुस तो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ साउथ एंट्रेंस की तरफ। वो बंदे ने मुझे कॉल किया है, मैं आई जस्ट वांट सम कंफर्मेशन दैट दिस इज द चैनल। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली मैं मेरी जो मेरी लोकेशन है मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। सो बेसिकली आई एम एन अशर इन द सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इवेंट, बस बाकी तो मुझे यहाँ पे कुछ और करना नहीं है, मुझे बस दरवाजे के बाहर खड़े रह के मुझे बस देखना है कि लाइक क्या सब कैसे अंदर जा रहे हैं एंड देन वो स्कैन कर भी रहे हैं या तो फिर नहीं भी कर रहे हैं, और फिर मुझे उन्हें असिस्ट करना है स्कैन करना है एंड दैट्स इट। दिस मीटिंग स्टार्ट्स एट 12:30 एंड लाइक दिस वन एंड्स एट 1:45 PM। मीटिंग के स्टार्टिंग के 15 मिनट में काउंट करना है रूम के अंदर जाकर के अंदर कितने लोग हैं, मीटिंग खत्म होने के बाद आई नीड टू गो इन एंड देन चेक लाइक तब अंदर कितने लोग हैं और फिर मुझे काउंट करके लिखना भी है एंड देन मीटिंग के लास्ट 15 मिनट्स में भी मैं काउंट करूँगा। सो आई गेस ये लोग बस ट्रैक कर रहे हैं कि आखिर लाइक कौन कौन सी साइंस की फील्ड में कितने लोग जा रहे हैं अंदर, देन कितने लोग सेकंड हाफ तक है एंड देन कितने लोग मीटिंग के एंड तक है। सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ये 2024 का एक एनुअल सबमिट, यहाँ पे एजुकेशन सेशंस हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जिसके बाहर मोबाइल प्री क्लिनिकल प्लेटफॉर्म्स फॉर थेरापेटिक एंड थेरामोस्टिक एप्लीकेशन। सो ये रहा बाय वेन्यू, एज यू कैन सी बाय द वे ये इवेंट है कुछ 4 दिनों के लिए एंड या दिस इज द होल वेन्यू। ये 4 दिन का इवेंट है, दैट इज June 8, 9, 10 and 11 और कुछ इतने सारे यहाँ पे होने वाले हैं प्रेजेंटेशन या तो फिर लेक्चर्स। चलो भाई, सो फाइनली इट इज द ब्रेक टाइम नाउ एंड राइट नाउ इट 5:15 और अभी आधे घंटे की ब्रेक है और फिर उसके आधे घंटे बाद मैं ऐसे चला जाऊँ। टाइम मुझे यहाँ पे एक और एम्प्लॉयज थी यहाँ पे मेरी एजेंसी से ही बारबरा गिव मी दिस टायर बिकॉज शी हैड वन एक्स्ट्रा टायर, भी तो चलते हैं बाहर, मैं कुछ लाया तो खास हूँ नहीं, आई जस्ट हैव वन गुड डे बिस्किट्स, वो खा के सीधे अपन
ब्रेक खत्म करेंगे। फाइनल अभी मेरी ब्रेक भी खत्म हो गई है, आई एम बैक एट माई पोजिशन। अभी कुछ बन सके मुझे खास करना नहीं है, मैं बस यहाँ पे खड़े खड़े अभी मैं बस मेरे पैर को कोई दुख दे रहा हो मेरे भी बस पाँव क्या गजब के दुख रहे, बिकॉज जब आपको बिना काम का कोई जगह पर बस खड़े रहना है और बस लोगों को देखना है तो तब पैर काफ़ी दुखते हैं, कंपेयर टू जब 3-4 घंटे अगर आप कंटिन्यूस वॉक भी कर रहे हो तब उतने पैर नहीं दर्द होते जितना खड़े खड़े बिना कोई काम के। बेसिकली इनका ये यहाँ पे ये लोग इनकी मीटिंग है तो फिर इनका प्रेजेंटेशन वो सब ये लोग यहाँ पे करते हैं, सामने वहाँ पे एक स्पीकर होता है और देन यहाँ पे सारे उनके गेस्ट अटेंडिस वो सारे यहाँ पे बैठते हैं और ये उनका साउंड सिस्टम और वो सब लोगों का काम। या दिस इज द होल। चलो भाई फाइनली शिफ्ट इज डन, राइट नाउ इट्स 6:35 और ये देखो अभी मेरे पीछे ये चीज़ तो काफ़ी कॉमन है टोरंटो में कि ये सब पेड़ होमलेस आपको काफ़ी दिखेंगे, भीड़ की स्मेल एकदम गजब आएगी, बट एनीवेज अभी चलते हैं फटाफट एंड लेट्स कैच अवर ट्रेन। और आपको ऐसी चीज़ें ना दिखे, बंदे ने यहाँ पे साइकिल पार्क की थी, किसी ने उसका व्हील और वो सारी चीज़ें निकाल ले लिया। ओके अपन चलते हैं अंदर और अपनी ट्रेन पकड़ते हैं, बिकॉज ट्रेन पकड़ने में स्टिल है 15 मिनट्स, बट अपन पहले खड़े हो जाते हैं। तो भाई अभी मुझे यहाँ पे लिटरली एक आई गेस वो बच्चे की उम्र होगी या तो हार्डली 13 या तो फिर 15 साल वो बच्चा है, मुझे मतलब अभी बंदी के साथ घूम रहा था, अभी मैं क्या बोलूँ यार, बट कोई नहीं भाई आज़ाद देश है। और अभी मेरी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन आएगी इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स और वहाँ पे पीछे टीवी सो जैसे वो टीम कुछ नहीं किया है, मैं बस लिटरली आई वाज जस्ट स्टैंडिंग एंड मैं बस मैं खड़े खड़े आराम से जो आज अच्छा खासा पे मिला है ना, इसी सारी इवेंट्स में काफ़ी नए फ्रेंड्स बनते हैं, इसी वजह से काफ़ी मज़ा आता है, मीन्स एकदम हमें अच्छा खासा लाइक एक दिन का बस आउटिंग भी हो जाता है, इसी लाइक ऐसी वजह से काम करने काफ़ी मज़ा आता है, एकदम पूरा दिल से काम होता है ऐसे इवेंट्स में। अभी तो बस अभी ट्रेन निकल पड़ेगी अराउंड 7:55।